हाय एवरीवन, मैं सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक प्रोडक्ट का रिव्यू जो कि है बॉडी क्यूपिड से एलोवेरा जेल। तो आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हो अपने फेस के लिए, अपने स्किन के लिए, अपने पूरे बॉडी के लिए। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो एलोवेरा जेल है ये बॉडी क्यूपिड का 99% प्योर एलोवेरा जेल है। यहाँ पे एक चीज क्लियरली लिखा हुआ है कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और ऑल हेयर टाइप्स के लिए है। आपका हेयर जो भी है, आपका स्किन जो भी है, ये हर तरीके से काम करता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ DIYs जो कि आप इस एलोवेरा जेल से कर सकते हैं। जो मेरा DIYs है, सबसे पहले हम अपने फेस का मसाज करेंगे। मसाज से हमारा स्किन स्मूथ, हेल्दी और प्लम्प रहता है। इससे आपका चेहरा शेप में रहता है, ज़्यादा फैट नहीं बढ़ता है और फैट जो है बर्न भी होते हैं फेशियल मसाज से। तो आपको थोड़ा सा अमाउंट लेके एलोवेरा अपने पूरे फेस पे मसाज करना है कुछ इस तरीके से। दूसरा टिप से, आपको अगर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है या फिर कम भी है तो आपको अपने दोनों आँखों के नीचे या ऊपर इसको अच्छे तरीके से मसाज करना है, सुबह और शाम करना है। आप चाहो तो इसको एक टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसको दो टाइम करें। इससे आपका जितना भी डार्क सर्कल है वो टोटली रिड्यूस हो जाता है और आपका स्किन एकदम साफ हो जाता है। दूसरा जो मेरा टिप्स है, अगर आपको स्कार का या फिर डार्क स्पॉट का प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्ने के बाद हमारा स्किन जो है बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट से भर जाता है, तो अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप डेली 2 से 3 टाइम अपने चेहरे पे एलोवेरा जेल का मसाज करें या फिर आप अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। इससे आपका स्किन 2 से 3 महीने में ही बहुत अच्छे तरीके से डार्क स्पॉट फ्री हो जाएगा। चौथा जो मेरा टिप्स है, अगर आपका छोटा छोटा बेबी हेयर्स का प्रॉब्लम है, कहीं भी आप जाते हो तो ये छोटे छोटे जो बेबी हेयर्स है खड़े हो जाते हैं कांटे जैसे, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा अमाउंट जो है एलोवेरा जेल लेना है और इनको अप्लाई करके या तो आप हाथों के हेल्प से या फिर कोम के हेल्प से इसको चिपका लें, तो ये प्रॉब्लम जो है एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। मेरा 5th नंबर जो टिप्स है, अगर आपका अंडरआर्म्स डार्क है, लड़कियों को डार्क अंडरआर्म्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा अमाउंट जो है एलोवेरा जेल लेना है और अप्लाई करना है। ऐसे आपको 2 से 3 हफ्ते करना है या फिर कंटिन्यू आप 1 महीने भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका धीरे धीरे अंडरआर्म्स जो है एकदम लाइटन ब्राइटन हो जाएगा, डार्कनेस एकदम ख़त्म हो जाएंगे। और साथ साथ आप अपने नेक में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्ल्स का या फिर बॉयज़ का भी जो नेक जो होता है चेहरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है, तो इससे आपका नेक भी जो है ब्राइटन हो जाएंगे। मेरा नेक्स्ट टिप्स है, अगर आप भी रेजर से अपने हाथ या पैरों का बाल जो है रिमूव करते हैं, तो उससे पहले आप क्या करें, एलोवेरा जेल लेके अपने हाथ और पैरों में अप्लाई कर लें और उसके बाद रेजर चलाएं। इससे आपका स्किन में कोई भी डार्कनेस या फिर कट नहीं लगेगा, और जब आप एलोवेरा जेल अप्लाई करोगे उससे आपका रेजर एकदम स्मूथली आपके सारे हेयर्स को रिमूव कर देंगे। तो आपको सारे बाल को हटाने के बाद फिर से एक बार जो है एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेना है, ताकि आपका स्किन एकदम हेल्दी रहे, कोई भी इचीनेस या फिर स्ट्रॉबेरी जो हेयर है स्ट्रॉबेरी स्किन का प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका एल्बोस डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क है, आपके हैंड्स के साथ मैच नहीं करते हैं, तो आप वहाँ पर डेली एलोवेरा जेल अप्लाई करके अपने एल्बोस को, अपने नीज को ब्राइटन कर सकते हैं। तो इसको आपको डेली करना है, नहाने से पहले, नहाने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डेली 2 टाइम अगर आप लगाओगे तो आपको रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा मिलेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का या फिर स्प्लिट एंड्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके हेयर बहुत ही धीरे जो है ग्रोथ होते हैं, तो आप इसके लिए एलोवेरा जेल का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों के ग्रोथ के लिए, स्प्लिट एंड्स के लिए और डैंड्रफ के लिए भी। डैंड्रफ पे भी आपका एलोवेरा जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और आपके 2 मुहे बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से
ट्रीट करता है और साथ साथ आपके बालों को सॉफ्ट बनाता है। जो झाड़ जैसे बाल होते हैं हमारे, उनको एकदम ख़त्म करके आपके बालों को अच्छे से सॉफ्ट बनाता है। तो आप थोड़ा सा अपने बालों में, जड़ों में मसाज करें और बाकी जो है एलोवेरा जेल अपने बालों में लगाएं, इससे आपका जितना भी बालों का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको इसको लगा के 1 घंटे या फिर 2 घंटे तक रखना है और फिर माइल्ड शैम्पू से आपको वॉश कर लेना है। एलोवेरा जो है आपके स्किन के लिए, आपके बॉडी के लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छा है। तो आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने हेयर, अपना स्किन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अपने एलोवेरा जेल को एज ए प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन से पहले आपको एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेना है और उसके बाद लगाना है फाउंडेशन। इसका प्राइस कुछ 399 है, मतलब 400 के आसपास इसका प्राइस है और आपको इसमें मिलता है 200 ml। तो इसका क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है। और ये जो है ये नया एलोवेरा जेल है, आपने वाव स्किन साइंस का एलोवेरा जेल यूज़ किया होगा लेकिन अभी तक आपने ये एलोवेरा जेल ट्राई नहीं किया होगा, तो इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली बाय कर सकते हो वाव के ऑफिशियल साइट से। और अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं अपने अगले एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।